तो पैसे स्टार्ट है हमारा बच्चों। आई वॉन्ट ए कार टू ड्राइव, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर। मुकेश बात कर रहा है और जोर से दबाव डालते हो, मतलब एक अपना रौब दिखाते हुए बात करता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक, मतलब नौकरी नहीं करना चाहता है, ये मतलब है इसका। मुकेश नौकरी नहीं करना चाहता है, खुद का कुछ काम करना चाहता है। क्या है नीचे? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, घोषणा कर देता है वो जोर से दबा, मतलब अपने एक तरह से बोलता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। फिर ऑथर मुकेश से बात कर रही है, वो पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ए कार, ही आंसर्स, टू ड्राइव ए कार। आई विल लर्न टू ड्राइव होगा यहाँ पर, टू ड्राइव अ कार। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वो उत्तर देता है कि मैं कार को चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, और बिल्कुल सीधा बड़े विश्वास के साथ मेरी आंखों में देख रहा है, ऐसे ऑथर कहती हैं। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। ये लूम्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, लूम्स का होता है धुंधला दिखना या फिर भ्रम में होना। उसका सपना एक भ्रम की तरह गलियों की धूल में, अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की धूल में एक मिराज की तरह, मिराज में जिसको हम कल्पना कहते हैं, जो धोखा होता है, प्रतिबिंब होता है, जिसको मरीचिका कहते हैं हिंदी में, उसके बीच में धुंधला सा दिखाई दे रहा है। दैट फील इज ओन फिरोजाबाद, और वो धूल उसकी फिरोजाबाद की, अपने फिरोजाबाद की गलियों में है, जो कि फेमस फॉर है बेंगल्स है, बेंगल्स के लिए फेमस है। क्या है फेमस बेंगल्स के लिए? फिरोजाबाद। तो क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ फिरोजाबाद फेमस फॉर? तो फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बेंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। एवरी अदर, हर दूसरी परिवार, हर परिवार मतलब हर दूसरा तीसरा परिवार फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग में एंगेज है, मतलब चूड़ियाँ बनाने का कारोबार करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फाइनेंसिस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ये भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, केंद्र है, जहाँ फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, कई उनकी पीढ़ियाँ बीत गई, वर्किंग अराउंड फाइनेंसिस, उन भट्टियों में काम करते हुए, चूड़ियों को जोड़ते हुए, वेल्डिंग ग्लास कांच को जोड़ते हुए, चूड़ियाँ बनाते हुए, उन सारी वुमेन्स के लिए, जहाँ भी संसार में जमीन दिखाई देती है, लैंड दिखाई देता है, जहाँ तक लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, उन सब के लिए वो चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। उनमें से कोई नहीं जानता है कि उन जैसे छोटे बच्चों के लिए जो काम है वो इलीगल है, गैरकानूनी है, छोटे बच्चों से काम करवाना, इतनी बड़ी बड़ी ग्लास फर्नेसिस में, शीशे की भट्टियों में काम करवाना, इतने हाई टेम्परेचर में काम करवाना, इतने उच्च तापमान में काम करवाना, इन डिंजी सेल्स में, उन छोटी छोटी पतली पतली गुफाओं की तरह उन झोंपड़ियों में काम करवाना, जहाँ पर कि ना एयर है, ना लाइट है, विदाउट एयर एंड लाइट, और अगर कानून अगर ढंग से फोर्सफुली अगर उसको लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसिस। तो उस कानून को अगर लागू किया जाए तो उन 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वे दिस लॉक देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ की वो पूरे दिन के समय में हार्ड वर्क करते हैं। स्लॉग क्या होता है? हार्ड वर्क करते हैं। आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और ऑफन प्राय कई बार उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बींग रिबिल्ट। मुकेश की आंखों में एक चमक उठ जाती है जब भी वो अपने आप को तैयार करता है मुझे अपने घर ले जाने के लिए, और उस घर की बात कर रहा है जो कि बींग रिबिल्ट, जिसको कि दोबारा बनाया जा रहा है।
वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड एंड गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली doors no windows crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. अब लेखिका वर्णन कर रही है उस गली का, उस एरिया का, क्या क्या कि जो गलियों से जाते हैं जहाँ बदबू है, गार्बेज है, बंद पड़े हुए नालियाँ हैं, ऐसे घर हैं जिनमें टूटी फूटी दीवारें हैं, लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं, कोई खिड़की नहीं है, क्राउडेड फैमिलीज हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल, आदमी और पशु इकट्ठे रहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग इन प्राइमेबल स्टेट, जो आदिम मानव जैसे रहता था. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट. ऐसे ही घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसके लोहे के दरवाजे को लात मारता है, जोर से धक्का मारता है, एंड पुशेज इट ओपन, और धकेल कर इसको खोल देता है. वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई हाफ बिल्ट शैक कुटिया में, एक झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास, इसके एक हिस्से में डेड ग्रास, सूखी हुई घास से छाया हुआ, थैच किया हुआ, कवर किया हुआ एक फायरवुड स्टोव है, मतलब लकड़ी की अंगीठा चूल्हा है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीव्स, जिसके ऊपर पालक के पत्तों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा बर्तन उबल रहा है. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और नीचे जमीन पर बड़ी बड़ी परातों में और सब्जियां काटी हुई हैं. अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर जवान औरत पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है, पका रही है. थ्रू आईज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में धुएं से भरी हुई आंखों से के होते हुए भी वो मुस्कुराती है. शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. ज़्यादा बड़ी उम्र में नहीं है, फिर भी उसने आदर करना, रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत करना सीख लिया है, क्योंकि वो घर की बहू है, डॉटर इन लॉ है, उस तीन पुरुषों की वो एक तरह से इंचार्ज है, जिनके उनको देख रेख करनी है उसको, मुकेश, उसका भाई और उनका पिता. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, जैसे ही बड़ा घर का बड़ा आदमी अंदर आता है वो एकदम पीछे हट जाती है दीवार की तरफ और अपने मुँह को घूंघट ओढ़ लेती है, अपने सिर के ऊपर घूंघट ओढ़ लेती है. एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, क्योंकि ऐसा रिवाज है कि जो बहुएं हैं वो अपने से बड़े पुरुष के आने पर अपने मुंह को घूंघट से ओढ़ कवर कर ले, ओढ़ ले, घूंघट ओढ़ ले. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ट बैंकल मेकर, और यहाँ पर तो जो बड़ा आदमी है वो एक गरीब चूड़िया बनाने वाला है. डिस्पाइट long years of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. कई सालों की कठिन मेहनत के पश्चात होते हुए भी, करते हुए भी, कई कुछ टाइम तक टेलर रहते हुए, फिर बैंगल मेकर बन करके, फिर भी वो असफल रहा अपने उस घर को, उस की स्थिति को ठीक करने के लिए और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए. ना वो बच्चों को स्कूल भेज पाया, ना अपने घर को रिनोवेट कर पाया. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो केवल इतना कर पाया है जो उनको पढ़ा सका है, वो क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़िया बनाने का काम. तो बच्चों, ये हमारे चैप्टर का मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है इसका पैसेज का. अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ. अब इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.